कश्मीर के हालात पर आज संसद में सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। पिछले 36 दिन से जारी है कश्मीर में कर्फ्यू। देश भर में बाढ़ से बिगड़ रहे हैं हालात और इस पर आज संसद में चर्चा। बाढ़ से बेहाल है देश के कई हिस्से, जूझ रहे हैं लाखों लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवादी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं प्रचार, देश के लिए ये है खतरनाक बात। मुंबई में लोकल की रफ्तार पर लगा ब्रेक, अमरनाथ स्टेशन का लेवल क्रॉसिंग गेट फेल होने के बाद मुसाफिरों का हंगामा। कल्याण और अमरनाथ से सीएसटी के बीच देरी से चल रही है ट्रेन। यूपी बीजेपी के नेता बृजपाल तेवतिया पर हमले के मामले में दो लोगों के नाम आए सामने, आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी 800 पुलिस वालों की ड्यूटी। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनके खिलाफ। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर रोकने पर अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने जताया खेद, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद छोड़ा गया। शाहरुख ने ट्वीट कर कहा, हर बार ऐसा होना तकलीफदेह है।